हेलो गाइस, मैं हूं मंदर और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स। ये वोटिंग ट्रेंड्स फाइनल भी हो सकते हैं। अगर ये फाइनल हो गए तो मैं इस थंबनेल में फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स लिखकर आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो ये लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स है। और इस ट्रेंड्स में भी फिर से एक बार बदलाव हुआ है, वो हुआ है शहनाज के पोजीशन पर, यानी जो वोट्स हुए हैं वोट पर, उसके मैं वोटिंग ट्रेंड्स आपको बता रहा हूं। और मेरे वोटिंग ट्रेंड्स एकदम परफेक्ट होते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि मराठी बिग बॉस में जैसे मैंने हर बार वोटिंग ट्रेंड्स बताए उसी के हिसाब से एविक्शन हुआ, उसी के हिसाब से फाइनल के 6 कंटेस्टेंट की रैंकिंग हुई। तो फिलहाल मैं आपको नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट बता देता हूं। रश्मि देसाई वहां पर नॉमिनेटेड है, कोयना मित्रा वहां पर नॉमिनेटेड है, दलजीत कौर भी नॉमिनेट हो गई है और शहनाज गिल भी वहां पर नॉमिनेट है। अब इनमें से किसकी रैंक कहां है ये मैं आपको बता देता हूं। और पिछले बार में मैंने जो वोटिंग ट्रेंड्स आपको बताए थे उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। नंबर वन स्पॉट पर है रश्मि देसाई। जी हाँ दोस्तों, रश्मि देसाई वहां पर नंबर वन स्पॉट पर कायम है और वो वहां से नहीं हिलेगी, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा वोट्स वहां पर रश्मि को हो रहे हैं। नंबर टू पर कौन है? और नंबर टू पर आ गई है दलजीत कौर, जो एक छोटे से बच्चे को छोड़कर इस शो में आ गई है और जिनको बहुत सारा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिनको फिर से उनकी नंबर टू की स्पॉट मिल गई है, जो हमने देखा था कि पहले वोटिंग ट्रेंड्स में नंबर टू पर थी। और इसी की वजह से शहनाज का नंबर नीचे आ गया है और शहनाज गिल आ गई है, यानी सना आ गई है नंबर तीन के स्पॉट पर। और अभी आपको पता चल ही चुका होगा कि नंबर फोर पे कौन है, और नंबर फोर पर है कोयना मित्रा। तो लगभग ये तो तय है कि कोयना मित्रा को सबसे कम वोट्स मिले हैं, लेकिन बिग बॉस जो भी एविक्शन करता है, वो बिग बॉस के जो मेकर्स होते हैं, वो मेकर्स और ये वोट्स, इन दोनों का मिश्रण करके एक को वहां पर घर के बाहर भेजते हैं। और इन चार में से तो एक लड़की बाहर जाएगी ही जाएगी, और ये अभी आज समझ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी बिग बॉस की शूटिंग कुछ ही देर में वहां पर शुरू होने वाली है। सलमान खान यानी भाईजान वहां पर आने वाले हैं, वो किसकी क्लास लेंगे और कौन होगा इस शो से एविक्ट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंचेगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।